भगवान शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव ही समाये हैं और ज्योतिर्लिंगों के रूप में भक्तों को सदियों से दर्शन देते आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के बारे में। अरब सागर और हिंद महासागर के विशाल संगम तट पर स्थित है ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण में रामनाथपुरम जिले में स्थित ये धाम भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। लोगों की आस्था और श्रद्धा का समागम लिए ये वो धाम है जिसकी मान्यता वही है जो उत्तर में काशी विश्वनाथ धाम की है। समुद्र तट पर स्थित गंधमादन पर्वत पर विराजमान है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागर शैली में बना ये प्राचीन मंदिर जिस जगह पर स्थित है, इस जगह को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप जैसा दिखता है। पुराणों की बात करें तो गंधमादन पर्वत पर स्थित होने के कारण रामेश्वरम को गंधमादन भी कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की कथा रामायण काल से जुड़ी है, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया। और फिर लंका पर चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्रीराम ने खुद के हाथों से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। तब यहां भोलेनाथ खुद प्रकट हुए और उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। और जिस शिवलिंग को प्रभु श्रीराम ने अपने हाथों से तैयार किया था उसमें ज्योति के रूप में विराजमान हुए और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आपको बता दें कि रामेश्वरम भारत के 4 धामों में दूसरे स्थान पर आता है। भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है रामेश्वरम मंदिर, जिसका प्रवेश द्वार करीब 40 फीट ऊंचा है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर प्रक्रमा करने के लिए 3 प्राकर बने हुए हैं जिनकी लंबाई 400 फुट से अधिक है। यहां कई हजार खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बारीकी से अगर देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। यहां के प्राकर का तीसरा गलियारा दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक माना जाता है। मन मोहती है इस मंदिर की भव्यता। एक तो समुद्र का किनारा और ये भव्य नक्काशी इसे अपने आप में बेहद खास बनाता है। यहाँ के बारे में एक मान्यता ये भी है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगोत्री के जल से अभिषेक करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम नमः शिवाय।